बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। आज विपक्ष ने प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर सदन में हंगामा किया, साथ ही कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा किया। तो वहीं राजद विधायक शिवचंद्र राम ने प्याज की माला टांगकर सदन पहुंचे और विपक्ष तमाम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। सरकार के मंत्री ने विपक्ष पर हंगामा कर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इधर नारा लगे, इधर देखिए सर, करना होगा। जब डबल इंजन की सरकार है तो यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल रहना चाहिए, लेकिन यहाँ रोज ग्राफ क्राइम का बढ़ता चला जा रहा है। चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो, सामूहिक बलात्कार हो, लूट हो, हत्या हो, सबका क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए सवाल चुकी जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, बिहार का ये मुद्दा है, इसलिए हम लोग इस सदन को उठाने का काम करेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था हमारा। हड़ताली चौक पर पहुंचने से पहले ही पटना पुलिस ने न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े बल्कि लाठी चार्ज किया शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर और पानी के फव्वारे छोड़े गए। ये तब था जब हम लोग वहां पूरे जमा भी नहीं हो पा रहे थे और प्रोहिबिटेड एरिया में एक भी हमारा कार्यकर्ता नहीं गया था। ये अकारण बल प्रयोग था और ये कहीं न कहीं सरकार की आलोचना को, जो नीतीश कुमार जी की पुलिस है, वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उन्होंने लाठी चार्ज किया।